सुनिश्चित कराने के लिए एक बार फिर से अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन कर शुरुआत की है। 7 नवंबर से अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन परमहंस आचार्य बैठेंगे। वहीं परमहंस आचार्य ने कहा कि हिंदू राज को घोषित करने के लिए 7 नवंबर से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। यह तपस्वी जी की छावनी सबसे पुरानी छावनी है, जहां पर मैंने वर्तमान में राम मंदिर को लेकर आमरण अनशन किया था और आज हमने फिर से भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर से हमारा अनशन सुबह 7 बजे से शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और मुसलमान को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया था, तो वह मुस्लिम राष्ट्र बन गया। जो बंटवारे से अब बचा हुआ उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दुनिया में 257 देश ईसाइयों के हैं और 57 से 58 इस्लामिक राष्ट्र है। कम से कम एक हिंदुओं का भी राष्ट्र होना चाहिए, नहीं तो 1990 में हिंदू का नरसंहार हुआ। अगर पूरे देश में अगर हिंदू को नरसंहार होगा तो हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। वहीं कहा कि सनातन को बचाने के लिए आवश्यक है हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाए। भारत माता की, राम जन्मभूमि की, सरयू महारानी की, जय श्री राम। संपन्न जो सवाल करो कहाँ गए भैया? ए भैया, अरे आप लोग पूछ लो ना। अच्छा ठीक है महाराज जी, आज जो शुभारंभ हुआ है किस चीज का हुआ है? 7 नवंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं। यह तपस्वी जी की छावनी अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, जहां का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूं। यह अशोक का पेड़ वही है जहां हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया और आज हमने फिर से भूमि पूजन किया है। 7 नवंबर से मेरा आमरण अनशन प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाएगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, तो बंटवारे से जो बचा हुआ है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो दुनिया में 257 देश ईसाइयों के हैं और 57-58 इस्लामिक राष्ट्र हैं। कम से कम एक हिंदुओं का होना चाहिए, नहीं 1990 में जिस तरह से हिंदू नरसंहार हुआ, अगर पूरे देश में होगा तो हिंदू फिर कहाँ जाएगा, हिंदू का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आवश्यक है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि हिंदू के बीच में सब सम्मान से रह सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान बढ़ गया तो फिर हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम वहाँ रह ही नहीं सकता है, और यही हाल ईसाइयों का है। इसलिए यह हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में होगी। और यह अशोक का पेड़ है, जब रामायण काल में माता भगवती अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, वहीं संकट मोचन हनुमान जी पहुंचे थे संकट दूर करने के लिए। तो राष्ट्र पर यह संकट है, जो लगातार जो है लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और सनातन के विरोध में, जिसको देखो बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुनौती दे रहे हैं सनातन धर्म को मिटाने के लिए। इसलिए वक्त है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और इसके लिए या तो हमारी मांग मान ली जाए और नहीं तो मरने के बाद भी, या शरीर छूट जाए कोई बात नहीं है, एक परमहंस जाएंगे तो न जाने कितने लाखों करोड़ों परमहंस आएंगे। और अब ये अस्तित्व वजूद की लड़ाई है,
अब हमारी मजबूरी है, हम तो भाई मानते हैं लेकिन मुसलमान हमको कभी भाई नहीं माना, ईसाई हमको भाई नहीं माना, हम भाई मानते हैं, हम मानवतावादी हैं, मानवतावादी रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार रोज होता रहा है, रोज लाखों हमारी बहन बेटियां मरती रहें और हम चुपचाप खामोश रहें। इसलिए केंद्र सरकार जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें।